हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेम नारंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइलम एनिलिडा से लेकर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलरेडी परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच इज ए हर्मोफ्रोडाइट फॉर्म, कौन द्विलिंगीय है। आप जानते हैं कि लीच यानी कि हिरोडोनेरिया द्विलिंगीय जंतु हैं। इसके अलावा स्केरिस, मॉस्किटो और कॉकरोच, ये तीनों ही एकलिंगीय जंतु हैं। द्विलिंगी जीव वे होते हैं जिनमें प्रजनन अंग नर एवं मादा दोनों में पाए जाते हैं, और उभयलिंगी या द्विलिंगी पौधे वे होते हैं जिसमें ये एक ही जीव में पाए जाते हैं, और उभयलिंगी पौधे और जंतु दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टेफ्लोसोल ऑफ अर्थवर्म, केंचुए का टेफ्लोसोल क्या है। तो इसका आंसर होगा डी, ए फोल्ड ऑफ द इंटेस्टाइन। यह आंत के आंतरिक भाग में फैला हुआ होता है और इसमें भोजन का अवशोषण होता है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्टिस अकर्स इन अर्थवर्म इन द सिगमेंट, केचुए में वर्षण किस खंड में स्थित होते हैं। तो इसका आंसर है 10th व 11th, यानी कि डी, केचुए में वर्षण 10th व 11th खंड में स्थित होते हैं, और प्रत्येक खंड के वर्षण एक पीले रंग के चौड़े व पतली भित्ति के वर्षण कोष में बंद रहते हैं। सभी वर्षण एक येलो कलर के टेस्टिस सैक में बंद रहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो केंचुए में वर्षण है वो 10th और 11th खंड में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेगमेंट्स ऑफ अर्थवर्म सीड्स आर एब्सेंट, केंचुए के किन खंडों में सूखों का अभाव होता है। तो इसका आंसर है डी, ए बी एंड डी, केचुए के शरीर पर सीटी पाई जाती हैं, सिर्फ पहले अंतिम और क्लाइटेलम भाग में यानी कि 14, 15 और 16 वे खंड में सीटी अनुपस्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में अंडाशय स्थित रहते हैं, ओवरीज इन अर्थवर्म आर फाउंड इन। आपको पता है कि टेस्टिस तो 10th और 11th खंड में स्थित होते हैं, उस हिसाब से ओवरी कौन से खंड में स्थित होती हैं, क्योंकि केंचुआ एक उभयलिंगी जीव है। तो इसलिए इसका आंसर है सी, 13वां खंड यानी कि 13वां खंड, केंचुए में अंडाशय 13वें खंड में लटके रहते हैं, यह एक जोड़ी होते हैं। और आप ये पढ़ ही चुके हैं कि 10th और 11th खंड में वर्षण एक एक जोड़ी पाया जाता है। इसके अलावा 14 से 16वें खंड तक क्लाइटेलम पाया जाता है, 14 से 16वें खंड तक क्लाइटेलम पाया जाता है। अर्थवर्म रिस्पोंड्स पॉजिटिवली टुवर्ड्स, केचुआ किसके प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाता है। तो इसका आंसर है सी, केमिकल्स यानी कि रसायन। केचुए में सुविकसित संवेदी अंगिया ग्राहक अंग होते हैं, रिसेप्टर ऑर्गन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टिस सैक्स इन अर्थवर्म लोकेटेड इन विच सेगमेंट, केचुए के वर्षण कोष किन खंडों में पाए जाते हैं। ये हम डिस्कस ही कर चुके हैं कि 10th और 11th, इसका आंसर होगा डी। आप जानते हैं कि केचुए में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये द्विलिंगी होते हैं, अतः प्रत्येक केचुए में नर व मादा दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। 10th और 11th खंड में थेलीनुमा वर्षण कोष पाए जाते हैं, और 11th खंड में शुक्राशय पाया जाता है, और 13वें खंड में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजोल्व्ड इन द प्लाज्मा ऑफ, हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसके प्लाज्मा में घुला हुआ। तो इसका आंसर है केचुआ यानी कि अर्थवर्म, हीमोग्लोबिन केचुए के प्लाज्मा में घुला हुआ पाया जाता है, जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, फेरिटिमा पोस्थुमा है, और यह एक द्विलिंगी जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ अर्थवर्म इज, केचुए में उत्सर्जी उत्पाद है। तो इसका आंसर है सी, अमोनिया एंड यूरिया, केचुए में उत्सर्जी उत्पाद अमोनिया व यूरिया है। केचुए के मूत्र में अधिकांशतः यूरिया और कुछ मात्रा में अमोनिया व काइटिनिन होते हैं, इसी कारण केचुए को यूरियोटोलिक प्राणी कहा जाता है। यूरिक अम्ल बिल्कुल नहीं होता है और मूत्र अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेल्स इन अर्थवर्म प्ले रोल सिमिलर टू द लीवर ऑफ वर्टिब्रेट्स, अर्थवर्म में ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो केचुए में वही भूमिका अदा करती हैं, वही भूमिका निभाती हैं जो कशेरुकियों में यकृत करता है। तो इसका आंसर है
डी क्लोरोगोगन सेल्स, रेणुपीत कोशिकाएं। केचुए की रेणुपीत कोशिकाओं की वही भूमिका होती है जो कशेरुकियों में यकृत की होती हैं। क्लोरोगोगन कोशिकाओं को येलो कोशिकाएं भी कहते हैं और यह उत्सर्जन में सहायक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोगोगन सेल्स ऑफ अर्थवर्म आर एनालोगस टू विच स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रेट्स। केचुए की क्लोरोगोगन कोशिकाएं कशेरुकियों की किस रचना के कार्यों में समरूप होती हैं? तो इसका आंसर हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ए लीवर। और अमोनिया एवं यूरिया का संश्लेषण मुख्यतः क्लोरोगोगन कोशिकाओं में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टोमियम इन अर्थवर्म। केचुए में प्रोस्टोमियम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर है सी, सी मीन्स डिगिंग सोइल यानी कि मिट्टी खोदना, और ए सेंसरी ऑर्गन और संवेदी अंग की तरह कार्य करना। ये दोनों ही कार्य क्या हैं? प्रोस्टियम के हैं। केचुए में स्पष्ट शीर्ष नहीं होता और शीर्ष के प्रथम खंड को ही प्रोस्टियम कहते हैं और यह मिट्टी खोदने का और एक संवेदी अंग के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिफ्लोसोल इन अर्थवर्म इज मीन्ट फॉर। केचुए में टिफ्लोसोल का क्या कार्य है? तो इसका आंसर है ए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। केचुए में टिफ्लोसोल का कार्य पाचन तथा अवशोषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट्रोनेरीज ड्यूरिंग इन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेरीज इक्वरीज। हेट्रोनेरीज नेरीज अवस्था से रूपांतरण के दौरान अधिग्रहित करता है। तो इसका आंसर है बी इनलार्ज पेरेपोडिया इन द पोस्टीरियस हाल्फ ऑफ बॉडी, शरीर के पश्च भाग में लंबे आकार के पेरेपोडिया। यानी कि जब हेट्रोनेरीज से नेरीज अवस्था में चेंज करता है तो वो क्या ग्रहण करता है? अपने पश्च भाग में पेरिपोडिया को ग्रहण करता है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स सर्कुलेटरी सिस्टम इज अब्सेंट इन द ट्रंक। यानी कि कौन से ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके ट्रंक में सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट होता है? इसका आंसर है नेरीज। नेरीज के ट्रंक में परिवहन तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट होता है क्योंकि ट्रंक के क्षेत्र में जैविक अंग विटल ऑर्गन नहीं पाए जाते। द नेचुरल ऑर्गन्स फाउंड इन नेरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। नेरीज में पाए जाने वाले नेचुरल ऑर्गन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं यानी कि किस कार्य को करते हैं? तो इसका आंसर है ए ओल्फैक्टरी फंक्शंस। नेचुरल अंग नेरीज में पाया जाता है जो घ्राण एवं गंध संबंधी कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसको आप याद रखेंगे कि यह गंध संबंधी स्मेल संबंधी कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी आईज आर प्रेजेंट इन कॉर्मवर्म। तो इसका आंसर है बी टू पियर्स। क्लेम वर्म यानी कि नेरिस में दो जोड़ी वर्णित आंखें पाई जाती हैं। इन पोलिकेटा द नेचर ऑफ सिटी इज, पोलिकेटा में सिटी की प्रकृति होती है। तो इसका आंसर है सी अकर्स इन बंडल्स, समूह में होती हैं। सीटी एनिलिडा संघ में पाया जाने वाला एक प्रकार का चलन अंग होता है और इनकी प्रकृति यह है कि ये बंडल में उत्पन्न होती हैं। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिलिडा इज, एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण है। तो इसका आंसर है बी निफ्रेडिया। एनिलिडा का विशिष्ट लक्षण निफ्रेडिया है। इसके अतिरिक्त इस संघ के जंतुओं में काइटिन की सीटी, साइजोसीलस सिलोम और पाचन बाह्य कोशिकीय उभयलिंगी प्रमुख लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अर्थवर्म द क्लोरोगोगन सेल्स आर। तो इसका आंसर है डी एक्सक्रेटरी क्लोरोगोगन सेल्स, आल्सो नोन एज द येलो सेल्स। इनको येलो सेल्स भी कहा जाता है और सेल्स इज सपोज टू बी एक्सक्रेटरी इन नेचर विच इज एनालोगस टू ह्यूमन लीवर। यह कैसी होती है? नेचर में उत्सर्जी होती हैं और यह मनुष्य की लीवर के समान कार्य करती हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।